आप सब उम्मीद करते हैं आप पूरी तरह से हेल्दी और फिट होंगे। तो दोस्तों, किडनी हमारी बॉडी का एक ज़रूरी अंग है जो ब्लड को फिल्टर करता है और शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। किडनी के इन कामों के आधार पर समझा जा सकता है कि अगर आपकी किडनी स्वस्थ नहीं रहती तो इससे आपके पूरे शरीर पर असर पड़ सकता है और कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। किडनी में होने वाली पथरी या किडनी स्टोन ऐसे ही एक समस्या है। ये एक तकलीफ भरी कंडीशन है जिसमें कई बार सर्जरी कराने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, किडनी स्टोन होने पर जहां बड़े स्टोन्स को बाहर निकाल दिया जाता है, वहीं कई बार डॉक्टर्स कुछ छोटे छोटे स्टोन्स को किडनी में यूं ही छोड़ देते हैं, क्योंकि साइज़ में बहुत छोटे होने की वजह से कई बार मरीजों में किसी तरह की परेशानी या लक्षण नहीं दिखाई देते और बहुत छोटी पथरी होने पर सर्जरी नहीं की जाती। किडनी स्टोन्स में मरीजों को दर्द महसूस होता है। इस तकलीफ से राहत पाने के लिए लोग अलग अलग तरह के तरीके आजमाते हैं। वहीं आसपास के लोगों की सलाह के मुताबिक वो कुछ चीज़ों का सेवन करने लगते हैं या अपनी डाइट से किसी चीज़ को पूरी तरह से निकाल देते हैं, लेकिन कई बार इन चीज़ों को फॉलो करने से उन्हें फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे ऐसे ही कुछ मिथों के बारे में जो आमतौर पर बहुत कहे या माने जाने वाले हैं। लोग इन पर विश्वास करके अपना नुकसान कर लेते हैं। कई लोग किडनी स्टोन होने पर टमाटर ना खाने की सलाह देते हैं, लेकिन खून में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाने के बाद मरीजों को टमाटर खाने से मना किया जाता है। इसके अलावा दूसरी किसी भी कंडीशन में टमाटर का सेवन किया जा सकता है, यानी कि किडनी स्टोन में टमाटर ना खाने की बात पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि कैल्शियम का सेवन करने से पथरी के मरीजों की समस्या बढ़ सकती है, और क्योंकि दूध कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक लिमिटेड मात्रा में दूध का सेवन करने से किडनी स्टोन्स बनने से रोका जा सकता है। हालांकि किडनी के मरीजों को दूध का सेवन सीमित मात्रा में करने की ही सलाह दी जाती है। दरअसल कम मात्रा में कैल्शियम लेने से हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो सकती है और ऑक्सलेट के ऑब्जर्वेशन में भी इससे जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। दोस्तों, किडनी की परेशानी वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर एक बार किडनी खराब हो जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि किडनी स्टोन होने पर आपको कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं। स्टोन की वजह से किडनी में दर्द हो सकता है। वहीं कुछ मामलों में स्टोन्स होने के बावजूद मरीजों को दर्द महसूस नहीं होता। जब किडनी स्टोन की वजह से पेशाब करने में दिक्कत होती है तो इससे पीठ पर ज़्यादा प्रेशर बनता है और इस कंडीशन में लोगों को पीठ में गंभीर दर्द की शिकायत हो सकती है। इसके साथ साथ लोगों को उल्टी, पेशाब में खून और यूरिन पास करते वक्त जलन जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ ही गए होंगे कि किडनी स्टोन को लेकर कही जाने वाली कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। ऐसे में आप अपने सही तरीके से सलाह रखें और टाइम टू टाइम डॉक्टर्स या एक्सपर्ट से सलाह लेते रहें। दोस्तों, इसी तरह की तमाम हेल्थ रिलेटेड टू जानकारियों के लिए बने रहे मेडिकली स्पीकिंग के साथ। धन्यवाद।